की राव जेवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद और पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को टाल दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 26 अप्रैल को तय करेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आरोप तय करने और आगे की जांच के लिए नए सिरे से याचिका दायर की थी, जिसमें ब्रजभूषण ने दावा किया था कि घटना के दिन वो भारत में नहीं थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस को घटना की कथित तारीख 7 सितंबर 2022 को WFI कार्यालय में उनकी उपस्थिति के बारे में जांच करने का निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। ब्रजभूषण ने अर्जी में कहा कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान के WFI ऑफिस में कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, उस तारीख पर वो देश से बाहर थे। उन्होंने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी दी है, जिस पर उस तारीख पर इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है। कोर्ट ने कहा कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से वापस आने के बाद WFI दिल्ली कार्यालय में उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। दूसरा पक्ष ने उस तारीख पर CDR की कॉपी नहीं जमा की है। ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि हमने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है, इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है। अगर दिल्ली पुलिस को इस बिंदु पर जवाब दाखिल करना है तो एक हफ्ते का समय ले सकते हैं। हमने ये अर्जी मामले में देरी के लिए नहीं लगाई है। महिला पहलवानों के वकील ने कहा कि ये याचिका मामले में देरी के लिए दाखिल की गई है। कोर्ट को इस अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि अगर आरोपी पक्ष के पास CDR की रिपोर्ट है तो अभी दे दी जाए, इस मुद्दे को उठाने का सही समय है, आगे इसको नहीं उठाया जा सकेगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि CDR रिपोर्ट पर लगा दे, नहीं तो इस बिंदु पर जांच का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने पूछा कि CDR रिपोर्ट आ जाए तो आप बहस के लिए समय लेंगे। अब देखना यह है कि कोर्ट ब्रजभूषण शरण सिंह पर क्या एक्शन लेती है। क्या बेल मिलेगी और जेल के पीछे जाएंगे ब्रजभूषण?